विधानसभा चुनाव को लेकर जामताड़ा के नाला में भाजपा की बैठक की गई, जिसमें नाला विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी ने कहा कि विधानसभा में भाजपा की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में मोदी की सरकार ने सभी वर्ग के लिए विकास का कार्य किया। इस अवसर पर झारखंड सह प्रदेश प्रभारी ने कहा कि अब आदिवासी समाज भी भाजपा को वोट देगी। महतो ने कहा कि इस बार जनता भाजपा का समर्थन प्राप्त कर रही है। ऐसे चारों तरफ कमल 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 है, चारों तरफ जय श्री राम है, और क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों में जो कौतूहल और जिस प्रकार का उत्साह है, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि इस बार रविंद्रनाथ महतो का नैया यहां से डूबने वाली है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमतों के साथ यहां पर जीत हासिल करेगी। जैसे कि से देखा जा रहा है कि रविंद्रनाथ महतो जी क्षेत्र दौरा जो है सुबह शाम एक ही क्षेत्र में कर रहा है, इसको लेकर सर क्या कहेंगे? देखिए, जिस क्षेत्र से वो बार चुनाव जीतते थे, जहां पर बड़ा लीड लेते थे, फतेहपुर, मैं आपको माय नेम बता रहा हूँ। फतेहपुर का अगर लोकसभा का बूथ कमेटी का समीक्षा करिएगा तो वहां के लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, इसीलिए वो अपना घर से भागकर दूसरे जगह पे शरण का। बैठक में तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की 13 तारीख की 60 मधुपुर वाली सभा में पहुंचने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे उसका आग्रह किया गया। चुनाव की दृष्टि से शक्ति केंद्र से लेकर बूथ बूथ से लेकर पन्ना पन्ना से लेकर भवन तक की प्रक्रिया को समझाया गया और कार्यकर्ताओं से कहा कि दमदारी से बहादुरी से चुनाव लड़ो। झारखंड में एनडीए के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल की सरकार बन रही है। हेमंत सोरेन की सरकार की वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। और मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ, इस क्षेत्र से जो माननीय प्रत्याशी है श्री रविंद्रनाथ, इन्होंने नमाज पढ़ने के लिए विधानसभा में स्थान उपलब्ध कराया था, क्या भगवान शंकर की माँ काली की पूजा करने के लिए स्थान उपलब्ध कराया था क्या विधानसभा में? नहीं, तो नमाज के लिए स्थान उपलब्ध। चारों तरफ कमल कमल